बादशाहों के महल में गुर्बत का एहसास नहीं होता है, रेगिस्तान में चलने वाले मुसाफिरों से कुएं का पता पूछकर शर्मिंदा नहीं किया जा सकता है। हम तो पूरी तवज्जो के साथ उसी वक्त सुना पाएंगे जब आप पूरी तवज्जो के साथ सुनने के लिए तैयार हो। आप भी बेदार रहे, स्टेज भी बेदार रहे, मुझे कहीं से यह एहसास ना हो कि स्टेज रमजान शरीफ से पहले तक आपने चला गया है। जितने लोग बैठे हुए हैं जरा गरीब नमाज के नाम पर बोल रहे हैं सुभान अल्लाह। किसकी है कैसी नीयत अल्लाह जानता है, हर शख्स की जरूरत अल्लाह जानता है। दिल्ली की ये हुकूमत 5 साल तक है, खाजा की बादशाह अल्लाह जानता है, एक भीड़ भी लगी है हजरत की चारों जानिब, एक बहुत आला हजरत अल्लाह जानता है। महसूस करो हमको जमाने वालों, हम फकीरों के खजाने नहीं देखे जाते। तीन शेर की तादाद आप याद रखिएगा। अब तीन शेर में ऐसा ना हो कि पहला शेर आ ई उं उं ये मामला ना हो, है कि नहीं? बिल्कुल तीन शेर आप याद रखिएगा। वैसे भी जो शायर होता है वो शेर पढ़ता है, जो अच्छा शायर होता है वो कम शेर पढ़ता है, जो बड़ा शायर होता है वो खामोश रहता है। आइए हम ये चाहेंगे कि अब यहाँ से बाज़ाब्ता जलसे का आगाज किया जाए। आज के इस मरकजी जलसे की बुनियाद की पहली खिताबत के शक्ल में खतीब नौजवान हज़रत अल्लामा मौलाना मुनीरुद्दीन साहब सल्लल्लाहु बहुत ही इल्मी शख्सियत के मालिक, उनकी तकरीर से आज के सज़ुमुशान जलसे का आगाज हो रहा है। मोहब्बतों के साथ सब